मोदी कैबिनेट का विस्तार आज, पीएम आवास पर नेताओं का पहुंचना आना जाना लगातार जारी है। इससे पहले तमाम जो नए चेहरे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उन तक फोन कॉल्स भी गए हैं। उन्हें ये जानकारी दी गई है कि आपको अपने पद की शपथ लेने के लिए पहुंचना है और सुनीता दुग्गल जो हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। सुनीता दुग्गल पहुंच चुकी हैं तो ये ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि आज ये जो नाम आपके सामने हैं ये जरूर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें ये नए चेहरे अपने पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जो मंत्रालय हैं वो आपस में बांटे जाएंगे। कई ऐसे मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में जिनके ऊपर मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार है, तो उनसे वो अतिरिक्त प्रभार लेकर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन नए मंत्रियों में। और इसके अलावा बड़े बड़े फेरबदल हो सकते हैं, कई मंत्रियों के मंत्रालय चेंज हो सकते हैं, कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है मंत्रिमंडल से। तो बड़ा दिन आज मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, गतिविधियां तेज, हलचल तेज। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है आज। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री की सीट छोड़नी पड़ी इसीलिए आज मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से वो हिस्सा होंगे। इससे पहले मोदी सरकार में सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बने थे। तो अब से थोड़ी देर में जो जानकारी मिल पा रही है, पीएम आवास पहुंचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे भी पीएम आवास पर पहुंचे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कुछ ही देर में पीएम के आवास पर पहुंचेंगे और ऑलरेडी इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे पीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी राजा पटेल इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजा, समय हलचल तेज है, शाम को नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि पीएम आवास पर तमाम जो जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई वो तमाम जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर पीएम आवास पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी कहीं ना कहीं पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हलचल है काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, शाम को कैबिनेट की विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नए मंत्री हैं उनको साफ तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो जानकारी मिल रही है कि तमाम जो युवा चेहरे हैं, साफ तौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से सुनीता दुग्गल और विजेंदर सिंह का नाम कहीं ना कहीं गया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में पहले ही कहीं ना कहीं 3 मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कौन से मंत्री की छुट्टी होती है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुनीता दुग्गल भी पीएम आवास पहुंच चुकी है, ये एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि सुनीता दुग्गल पीएम आवास पहुंच चुकी है। हालांकि विजेंद्र सिंह जो है, हम उनके निवास पर जरूर मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विजेंद्र सिंह का निवास है, साफ तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पर साफ तौर पर विजेंद्र सिंह अभी पीएम आवास नहीं पहुंच पाए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि उनके पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, साफ तौर पर वो भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा जरूर है, पर अभी तक वो पीएम आवास पहुंच नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, तो सुनीता दुग्गल पीएम आवास पहुंची हैं, यानी सुनीता दुग्गल शपथ लेंगी ये तय माना जा रहा है। और अभी इस वक्त राजा आप बृजेंद्र सिंह के घर के बाहर हैं, जाहिर तौर पर जो जानकारी आपको मिली है कि अभी उन तक पीएम आवास तक पहुंचने का कोई फोन कॉल नहीं आया है, लेकिन क्या इससे पहले, चूंकि मंत्रिमंडल में हिस्सा है या नहीं, नेताओं को फोन कॉल पहुंचे हैं, तो क्या बृजेंद्र सिंह के पास ऐसा कोई फोन कॉल पहले पहुंचा? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से हरियाणा न्यूज की टीम सुबह से यहाँ पर मौजूद है, विजेंद्र सिंह की बात करें तो अभी तक पीएम आवास नहीं पहुंचे, पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर पहुंचना जरूर शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं डिनर पर, कहीं ना कहीं निवास पर पहुंचे थे विजेंद्र सिंह के, साफ तौर पर कयास यही लगाए जा रहे थे कि मोदी कैबिनेट का कहीं ना कहीं हिस्सा हो सकते हैं। तो साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त निवास पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर पहुंचने शुरू हो गए, पर जिस तरीके से जो विजेंद्र सिंह है वो अंदर ही मौजूद है, अभी तक उनको कोई भी पीएम आवास से कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ऐसी कॉल नहीं आई है जिनको लेकर विजेंद्र बंसल यहाँ से निकले। जी
जी बिल्कुल, तो इस समय हलचल तेज है। और राजा, अगर मैं बात करूं मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले और तमाम सदस्यों की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी पीएम आवास पर हैं, नारायण राणे पहुंचे हुए हैं, और अब थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। और बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो नए कैबिनेट का विस्तार आज शाम को हो जाएगा, उसको लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं सांसद हैं वो पीएम आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा से बात करें तो सुनीता दुग्गल भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जेपी नड्डा, वो अब से कुछ देर में यानी कि कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही समय बाद कहीं ना कहीं जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, मीटिंग चलेगी। उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जो तमाम जो सांसद हैं वो साफ तौर पर शाम को मंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम जो युवा चेहरा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं साफ तौर पर, जिस तरीके से कल जेडीयू ने भी कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखाने चालू किए थे, क्योंकि उनके 16 सांसद हैं, ऐसे में चार मंत्री बनाने के कयास लगाए गए थे अलग अलग राज्य पर, जहां पर चुनाव है वहां पर साफ तौर पर फोकस मोदी की इस कैबिनेट में कहीं ना कहीं किया जा रहा, तो साफ तौर पर अलग अलग और नए चेहरे इस बार मोदी कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। जी चलिए राजा, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि हरियाणा में दो बड़े चेहरों पर इस वक्त चर्चा हो रही है, एक है सुनीता दुग्गल, एक है बृजेंद्र सिंह, जिन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुनीता दुग्गल ऑलरेडी पीएम आवास पर पहुंच गई है, उनका बनना तय माना जा रहा है, और क्या जानकारी राकेश जी? देखिए, जो आपने कहा नंदनी वो बिल्कुल सही है कि दो चेहरे जो इस समय हरियाणा में चर्चा में आ रहे हैं उनका ही नाम माना जा रहा है। एक है हिसार से, आप जानते हैं बृजेंद्र सिंह हैं, बृजेंद्र सिंह जो चौधरी बीरेंद्र के पुत्र हैं, और इसी तरह से सिरसा से सांसद हैं पार्टी की सुनीता दुग्गल, और सुनीता दुग्गल और इनमें जो पूरी तरह से इस समय चर्चा में यही है कि दोनों में से किसी एक का नंबर पड़ेगा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री चौधरी बीरेंद्र के यहाँ जो है रात्रि भोज पर भी गए थे, और उस दौरान उनके जो सांसद पुत्र हैं वे भी मौजूद थे। ऐसा कयास यहाँ राजनीतिक हलकों में लगाया जा रहा है कि हो सकता है चौधरी बीरेंद्र को जो है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य में किसान आंदोलन जो है किसी तरह से सरकार से जो है पूरी तरह से जो पाटा नहीं गया है, तो ऐसे में चौधरी बीरेंद्र की जिम्मेवारी लग सकती है, और इसी सबको मुख्यमंत्री के जाने को लेकर जो है प्यास है कि मुख्यमंत्री के जाने से वहां पर। राकेश जी, मैं ये सवाल बड़ा जरूरी है इसलिए पूछ रही हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह को इस समय देखा गया था कि वो आंदोलन में खुद शामिल हुए थे, इस तरह की तस्वीर एक बार नहीं कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, और बृजेंद्र सिंह उनके बेटे हैं, हिसार से सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह, और चूंकि वो किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, तो इन सबको साधने के लिए शामिल किया जा सकता है बृजेंद्र सिंह को? हाँ, यही मैं जो आपको बता रहा था कि क्योंकि किसानों के नेता हैं हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं पुराने नेता हैं, और बेबाकी से बात करते हैं, साफ गोई से बात करते हैं, आपने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा, और जिस तरह से उनके जो बयान थे किसानों ने जो है सराहा था, तो ऐसे में एक कवायद हो सकती है कि पार्टी उनका इस्तेमाल करे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी हरियाणा से तीन चेहरे जो शामिल हैं उनमें एक भी जो जाट मंत्री नहीं है, तो उनके पक्ष में बृजेंद्र सिंह के यही बात जाती है। हालांकि सुनीता दुग्गल के लिए ये माना जाता है कि वे जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ IRS भी, हालांकि बृजेंद्र सिंह भी IAS से सेवानिवृत्ति लेकर गए हैं, और वे महिला हैं और अनुसूचित जाति से हैं, तो ऐसे में यदि किसी एक मंत्री की जिनका कयास है कि हरियाणा से छुट्टी होगी, तो उनके स्थान पर सुनीता दुग्गल को जो है स्थान मिल सकता है। और लेकिन अभी क्योंकि सस्पेंस बना है और अंतोदत्वा क्या होता है यह देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कयास जो है दोनों नामों पर जो है जोरों से चल रहे हैं। जी जी, राकेश गुप्ता जी आप बने रहिए हमारे साथ, राजा पटेल आप भी बने रहिए, इस खबर पर वापस लौटेंगे और एक बार फिर से चर्चा करेंगे, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है।